स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ, कर तो आप भी लोगे इसको, कोई इसमें इशू नहीं है। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। देखिए 100 और 200 के बीच में कुछ इंटीजर्स होते होंगे, उनका इसने सम मांगा है, लेकिन कंडीशन लगा दी है। कह रहा है कि दैट आर डिविजिबल बाय 9। मतलब देखिए ये 100 है, करेक्ट, और 100 के बाद क्या आता है, 101, फिर 102, फिर 103, ठीक है, फिर 104, फिर 105। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहानी क्या चल रही है। ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचोगे आप, 200 तक। फिर 200 के पहले क्या आता है, 199, उसके जस्ट पहले क्या आता है, 198, करेक्ट। अब उन्होंने आपको क्या बोला है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन बोला है, फ्रॉम नहीं बोला है। ना ना ना, फ्रॉम नहीं बोला है। अगर फ्रॉम बोलता तब हम 100 को भी इंक्लूड करते, चेक करते, और 200 को भी इंक्लूड करते और चेक करते कहीं ये 9 से डिविजिबल तो नहीं है। लेकिन बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि आपको 100 की बात नहीं करनी है और आपको 200 की बात नहीं करनी है, करेक्ट। तो अब जाके आप सर्च करिए कि इसके बीच में पहला नंबर ऐसा कौन सा है, 100 और 200 के बीच में पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, समझिए ज़रा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं 100 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 9 से पहले। तो कितने टाइम्स जाएगा ये, हाँ ये जाएगा 11 टाइम्स, है ना। तो 99 आ जाएगा, 1 बचेगा। मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहा हूँ, समझो, अरे 9 11 था, डायरेक्ट पढ़ दिया यार, ठीक है। तो 99 आ जाएगा, आप देखो रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब हम लोग को थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि अगर 100 में 1 ना होता तो जो नंबर आता वो किससे डिविजिबल होता, 9 से। सोचो अगर 100 में 1 ना होता तो जो नंबर आता क्या आएगा, 99, और 99 9 से डिविजिबल है। लेकिन 99 100 और 200 के बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो 99 तो यहाँ पीछे आता है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए 99 में 9 ऐड कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 9 की टेबल नहीं बनाते, 9 में 9 ऐड कर दिया तो 18 आ गया, 18 में 9 ऐड कर दिया 27 आ गया। उसी तरीके से 99 9 से डिविजिबल है, मुझे पता है, और 99 के जस्ट बाद जो नंबर आता होगा, इसके जस्ट बाद जो नंबर आता है, जो जस्ट नेक्स्ट नंबर आता होगा जो कि 9 से डिविजिबल है, वो मुझे इस तरीके से मिलेगा कि 99 में मैं 9 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 और ये 10, यानी कि 108 ऐसा नंबर है जो 99 के जस्ट बाद आता है और 9 से क्या है, डिविजिबल। आप चेक कर लो, 108 9 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ मैं, 108 को आप 9 से डिवाइड करो तो कितने टाइम जाएगा ये, 9 1 9 1 और 9 2 18, ये जाएगा 12 टाइम्स, ओके, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यानी कि आपको 100 और 200 के बीच में, अब इसका भी कोई काम नहीं है, 108 पहला नंबर मिला जो कि 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो पार्ट 1 का अगर मैं आंसर करूँ, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, सॉल्यूशन 1 अभी मैं कर रहा हूँ, पार्ट 2 भी मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 108, अब तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 108 में आप क्या करोगे, 9 ऐड कर दो, ऐड करो तो 108 प्लस 9 117, फिर 117 में आप 9 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 126। तो ऐसे करते 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 ये चलता जाएगा 9 ऐड करके, ठीक। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि 100 और 200 के बीच में लास्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 9 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा चलो मैं 200 को डिवाइड लगा के देखता हूँ किससे, 9 से। चलो लगा के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 2 18, 20 - 18 2, और यहाँ 0 आ जाएगा तो 9 2 18। अब देखो रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि इस 200 में अगर ये 2 ना होता, यानी कि 198 होता, तो ये पक्का, चेक कर लीजिए, 198 9 से डिविजिबल होता है, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि स्टूडेंट्स जो लास्ट नंबर आता होगा वो 198 होता होगा इस सीरीज में, जो कि 9 से डिविजिबल होता होगा, सही है। अब जाके आपको द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, ये क्या लिस्ट लिखी हुई है, कौन से नंबर्स की लिस्ट है, ये लिस्ट है द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। कोई डाउट है, बताइए, सिंपल है। अब क्या आप इसका सम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने पार्ट 1 में आपसे क्या बोला था कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। निकाल सकते हैं अब आराम से। अब तो आपको पता ही कि एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है, बताइए, 108 है, करेक्ट। कॉमन डिफरेंस कितना है,
117 माइनस 108 9 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए। ये जो 198 है यही आपका क्या है लास्ट टर्म, और यही आपका nth टर्म है, ठीक। तो यानी कि nth टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट 198, और nth टर्म की जगह हम लोग रखेंगे a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, फॉर्मूला रख दिया इसका 198, और a की वैल्यू रखिए, a कितना है आपका 108 प्लस एन माइनस वन इन टू डी, डी कितना है आपका 9 इज इक्वल्स टू 198 को राइट में भेज दीजिए, तो n माइनस वन इंटू नाइन इज इक्वल्स टू 198, और माइनस 108 राइट में जाके माइनस हो जाएगा माइनस 108, ओके। यानी कि 198 में से हम लोगों को माइनस करना है क्या 108, करते हैं 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 0 9, और यहाँ बच गया 0, यानी कि 90 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपके पास क्या 90, और लेफ्ट में बचा आपके पास क्या n माइनस 1 इंटू 9, ओके। नाउ डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, तो 9 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 9 से राइट में, 9 से 9 कैंसिल, 9 वन जा और 9 टेन जा 90, ओके। तो n माइनस 1, n माइनस 1 कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया आपका कितना 10, ठीक है। ब्रैकेट आप हटा सकते हो, माइनस 1 को राइट में भेज दीजिए, ऐड हो जाएगा 10 में, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 11। यानी कि ये जो 198 है ये कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, 11th पोजीशन पे। तो हमको टोटल 11 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि s11 इज इक्वल्स टू 11 बाय 2 n बाय 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l लगाएंगे, a प्लस l क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है और l यानी कि लास्ट टर्म भी हमको पता है 198 है लास्ट टर्म, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, और पार्ट टू भी मैं आपको यहीं पे बताने की कोशिश करूंगा, ओके, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, s11 इज इक्वल्स टू 11 बाय 2 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दीजिए इसको अगर हम ऐड करें 108 प्लस 198, तो 8 प्लस 8 16 बन जाएगा, 9 प्लस 1 10 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कितना 306, अब ये मल्टीप्लाई में, तो ये इसको कैंसिल कर सकता है 2, 2 अंजा और 2, यहाँ आएगा 15 और यहाँ आएगा 3, करेक्ट। तो कितना आ गया 11 इंटू 153, तो 11 इंटू 153, बताइए कोई डाउट है, हाँ। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा 1683 आपके पास, ओके। तो 153 इंटू 11, 13 जा 3, 15 जा 5, 1 और फिर 13 जा 15 जा 1, ओके। ये सब तो कर सकते हो, बहुत इजी है, 1683 आ गया, ठीक है। तो 1683 ये पार्ट वन का आंसर है, तो डिजोल्व बाय 8 जो भी था ये, मतलब द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिजोल्व बाय 8 इज व्हाट 1683। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, पार्ट टू देखिए, पार्ट टू बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप पार्ट टू को ऐसे पढ़ोगे कैसे, कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 9, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 9। तो किसका सम निकालना है आपको बताओ, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए एक बात बताऊं, पता है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ना, तो पता है कैसे आएगा आपको, वो पार्ट वन नहीं देगा, ध्यान रख लीजिए इस बात को, वो आपको सीधे पार्ट टू पूछेगा। और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में पार्ट टू को सॉल्व करने के लिए, मतलब नॉट डिविजिबल बाय 9 वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, आपको डिविजिबल बाय 9 सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। एग्जाम में आपको पार्ट वन नहीं दिया रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको पार्ट वन सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों जरा देखिए। देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पूछूं कि नंबर्स विच आर नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ऊपर से देख के बताओ मुझे क्या क्या आ जाएगा, 101 9 से नहीं डिविजिबल होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 106 नहीं होगा, ओके, और 107 नहीं होगा, 108 होगा तो 109 नहीं होगा, 110 नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा। लेकिन ध्यान से चेक करिए, क्या ये एपी बना रहा है, नहीं। अब बच्चे सोचेंगे कि ये तो एपी बना रहा है, यहाँ वन वन का डिफरेंस है, वन का, लेकिन यहाँ तो चेक करिए 107 के बाद क्या आ गया, 108 नहीं आया, 109 आ गया, यानी कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे ये एपी नहीं बना रहे होंगे, बात समझ में आई कि नहीं। तो आप एपी का सम का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते, ओके, बात समझ में आई। तो क्या ट्रिक लगाएं,
आप ट्रिक ये लगाइए, एक काम करिए, आप क्या करिए, आप 100 से 200 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, 101, 102, 103, 104, 105, सबको ले लो, सबको ले लो। मतलब अगर वो 9 से डिविजिबल है तो उसको भी ले लो, यानी कि 108 को भी ले लो, सभी नंबर्स का सम निकाल लो। तो जब सभी नंबर्स का सम आ जाएगा, उसमें से आप किसको माइनस करोगे, जो पहले सम आया था, मतलब उन नंबर्स का सम जो 9 से डिविजिबल हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ, तो आपको उन नंबर्स का सम मिल जाएगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नहीं समझ में आ रही बात है ना? देखिए मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा के दिखाता हूँ, अगर कोई डाउट है तो। देखिए किस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी सीरीज दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देख, एक छोटी सी सीरीज देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो ये नंबर्स हमने लिए हैं फ्रॉम नंबर्स हमने लिए हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 8 तक। अब हमने आपको बताया क्या कि सम निकालिए किसका, सम ऑफ द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो आप क्या बोलोगे मेरे को, आप बोलोगे क्या, टोटल सम फ्रॉम 1 to 8 निकाल लो, इस सब का सम कर दो, उसमें से किसको माइनस कर दो, सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो इसमें से आप क्या करोगे, सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करिएगा। देखिए बात यह है, कुछ ऐसा चल रहा है, मैं जानबूझ के छोटी सीरीज दिखा रहा हूँ। टोटल सम फ्रॉम 1 to 8 को कैसे लिखा जाएगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, और माइनस किया जाएगा इसमें से क्या, सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 कौन कौन है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो 2 plus 4 plus 6 plus 8, कोई डाउट है बताइए इसमें। अब एक काम करिए, अब इसको जोड़ना नहीं, ऐसे ही लिख दो इसको। तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, और माइनस करोगे तो सभी साइन चेंज होंगे, -2 -4 -6 -8। -8 से +8 गया -4 से +4 गया -6 से +6 गया -2 से +2 गया। क्या बचा आपके पास, ध्यान से चेक करिए, 1 plus 3 plus 5 plus 7 बचा। ये क्या है, ये सम ऑफ द नंबर्स हैं, ध्यान से चेक करिए, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। चेक करिए, इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो अब आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, जब भी एग्जाम में वो बोले कि सम निकालिए द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय, कुछ भी कह सकता है, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 9 इन्होंने बोला था, तो हम क्या करेंगे, हम बिटवीन 100 एंड 200 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं पहले सबका सम निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। बात समझ में आई कि नहीं? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये मैंने एक छोटी सी सीरीज लेके आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो जाए, बिकॉज ये सीरीज तो बहुत बड़ी है, इसको तो एक्सपैंड करके दिखाना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या, सम ऑफ द नंबर्स विच आर नॉट which are not divisible by 9 is given by sum of all numbers from कहाँ से कहाँ तक, from 101 से लेके 119 तक ना। क्यों? क्योंकि 100 और 200 के बीच में 101 से स्टार्ट होगा, 199 पे एंड होगा ना। तो फ्रॉम 101 to 199, ओके, सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 101 to 199 माइनस सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या लिखा हुआ है मैंने? बस अब आप ये निकाल लीजिए, सम फ्रॉम 101 to 199, तो मतलब 101 और प्लस 102
और प्लस 103 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक 199 तक, तो ये भी एक एपी बन रही है जिसमें कि फर्स्ट टर्म कितना है 101, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 1, और ध्यान से चेक करिए 199 की आप पोजीशन निकाल लीजिए, यानी कि ये nth टर्म है तो nth टर्म इज इक्वल्स टू 199। अब nth टर्म की जगह आप क्या लिखोगे, a प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल्स टू 199, और a क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म 101, तो 101 और प्लस एन माइनस वन इन टू डी, डी कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू 199। ओके, तो 101 को राइट में सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो n माइनस वन इंटू वन, एन माइनस वन होता है तो n माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो n माइनस वन को, तो n माइनस वन ही आएगा, इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपके पास 199 माइनस 101 कितना हो जाएगा भैया, 9 माइनस वन कितना होता है 8, और 9 माइनस 0 9, और 1 माइनस 1 98 आ गया, और 1 माइनस 1 को उधर भेजोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 प्लस 1 99, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 99, यानी कि 101 से लेके 199 तक टोटल टर्म्स कितने 99 टर्म्स हैं, तो 99 टर्म्स का सम निकालते हैं। ओके, तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ, इतना आप लोग इधर कॉपी कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, इसको कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। चलो तो S 99 क्या हो जाएगा, 99 n बाय 2 यानी कि 99 बाय 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, a कितना है 101 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म कितना है 199। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 99 बाय 2। ये तो समझाने में इतना मैंने टाइम लगाया है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दो मिनट का गेम है ये, तो है ना, फट से हो जाएगा एग्जाम में। अब देखो 101 प्लस 199 कितना हो जाएगा, 1 इधर पहले ऐड कर दिए, 200 प्लस 1 300। ओके, यहाँ 2 से कैंसिल होगा, ये 150 आ जाएगा, तो कितना हो गया 99 इंटू 150, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 150 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, 90 नाइन 45, 4, 9 बंदा 9 प्लस 4, 13, ओके, इंटू, फिर से 9 से करोगे, 900, 95 का 45, 4, 9 प्लस 4, 13, ओके, 0, 5, 8, 4, 1, कितना आ गया 14,850, तो 14,850, अभी बात बताओ मुझे, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा ना, क्योंकि इसमें सभी का सम किया गया है, और ये क्या है, केवल जो नंबर 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे जैसा कि हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो द सम ऑफ द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9 इज गिवन बाय 14850 और माइनस 1683। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 14850 में से हम लोगों को माइनस करना है कितना 1683। ओके, माइनस करते हैं 10 माइनस 3 कितना होता है 7, यहाँ बचेगा कितना 4, कैरी लेंगे तो 14 माइनस 8 6, यहाँ बचेगा कितना 7 माइनस 6 1, और यहाँ बचेगा कितना 14 माइनस 1 13। ओके, तो द रिक्वायर्ड सम इज मीन्स द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल नाइन, सम ऑफ द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 100 एंड 200 इज इक्वल्स टू व्हाट 13,167। ओके, कोई डाउट है बताइए, हाँ, तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट टू, लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही आंसर है 13,100 कितना आया है 67। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए।